नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे दुबई से रिलेटेड क्राइम रिपोर्ट। जी हाँ साथियों, भाई यार जैसे जैसे दुबई में एक सिस्टम है भाई, देखा है मैंने कि यहाँ के लोकल लोग तो दिखाई नहीं देते, कहीं दिखाई नहीं देते, वो दूर रहते हैं सिटी से बाहर, शांत विलों में रहते हैं, उनको नहीं टेंशन होती है। मेन सिटी में बाहर में वर्कर वगैरह पूरी भीड़ यहीं की जमा हो रही है, विदेशों की। जी हाँ, तो आपको पता है कि बर्तन दो एक जगह पड़े होते हैं ना, वो भी आपस में टकरा जाते हैं तो आवाज़ आती है। यह हम बात करेंगे, एक बांग्लादेशी ने दूसरे बांग्लादेशी को चाकू मार दिया। जी हाँ, लड़ाई किस पे हुई, कैसे हुई, पूरी हम डिटेल से बात करेंगे। उसका आगे नतीजा क्या हुआ वो भी आप लोगों को जानना जरूरी है। और भाई किसी अरे गुस्से पे थोड़ा संयम रखें, शांति रखोगे ना तो एक बार हो सकता है कि आपको दिक्कत हो, लेकिन लाइफ टाइम आपको दिक्कत नहीं आएगी। और एक बार गुस्से में कुछ गलत कर दिया तो वो गुस्से में आपने एक बार आपके मन को शांति मिलेगी कि हमने ये कर दिया, हमने उसको मार दिया, वो मन में एक ईगो टाइप का होगा, लेकिन बाद की जो जिंदगी है ना वो आपकी एक तरह से बहुत खराब स्थिति में पहुंच जाओगे आप। डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करके फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें भाई, ताकि गल्फ कंट्री से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन हर रोज आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। दुबई में एक जगह है साथियों, रास अल खोर। जी हाँ साथियों, वहाँ पे एक सफाई कर्मचारी था जो सफाई करने सुबह के टाइम निकला था, बांग्लादेशी था, दूसरा भी एक बांग्लादेशी था। उनका क्या मैटर था वो यहाँ पे नहीं बताया गया है। उनके पैसों का मैटर था, पारिवारिक मैटर था, या कोई और कोई मैटर रीज़न था जो थर्ड में निकल के आए, वो बातें यहाँ पे क्लियर नहीं की गई। इसमें यह देखा गया एक पाकिस्तानी गवाह बना। जी हाँ साथियों, पाकिस्तानी ने ये बताया, कोर्ट में भी उसकी गवाही लगी। उसने ये बताया, सुबह 7:30 बजे का टाइम था, मैं मस्जिद से बाहर निकला, जैसे ही निकला तो एक बांग्लादेशी जो सीढ़ियों के नीचे छुप रहा था, छुपने की कोशिश कर रहा था, जैसे ही वो झाड़ू वाला बंदा सफाई वाला आया उसके ऊपर, उसने उससे बात की, गर्मागरी में गाली गलौज हुई, फिर उसी से झाड़ू छीन के उसके ऊपर मारपीटी हुई, फिर लोगों के इकट्ठे हो गए, उसके हाथ में चाकू निकाल के उसको 2-4 चाकू के वार कर दिए, यानी मारने का टारगेट। जी हाँ साथियों, धारा 307 एक तरह से लग जाती है, आप सबको पता ही है। तो फिर काफ़ी सारे लोग थे, उनको अलग अलग किया, वो चाकू मार के भाग गया। और भाई दुबई में भागता कितनी देर है, 1-2 घंटे 3 घंटे, कितनी दूर जाएगा भाग के, इंडिया तो है नहीं, या फिर कि वहाँ छुप गया, झाड़ियों में छुप गया, दूसरे स्टेट में जाके नौकरी करने लगा, ऐसा तो नहीं है इधर। यहाँ तो पूरा सिस्टम जाल होता है, कैमरों के जाल में हो आप, इस चौराहे से निकलोगे अगले चौराहे जाने से पहले पुलिस अरेस्ट कर लेगी आपको, क्योंकि आपका सिस्टम कैमरों से चलता है, आपका कैमरा पीछा करता रहता है, आप जिधर जाओगे कैमरे लगे हैं, तो आपको वो छुपने ही नहीं देंगे। तो बंदे को तुरंत पकड़ के उसको फिर मुकदमा लगना है, पता है आपको, पुलिस ने डाल दिया जेल में। दुबई कोर्ट ऑफ इंस्टेंस ने पूरा समझा, फिर गवाही देखी, फिर उसको आपको पता है भाई जेल में डाल दिया गया। जेल में डाल के उसको मारने की नीयत का मुकदमा लगा, 6 साल का, 29 साल का बंदा, बांग्लादेश का गरीब बंदा वहाँ कमाने के लिए आया था, 6 साल उसको जेल में रहना पड़ेगा। जी हाँ, अब 6 साल कम नहीं होते भाई, 29 साल से 35 साल का हो जाएगा, उसका बीवी, उसका परिवार। मैं तो हर वीडियो में बोलता हूँ, इन चीज़ों से जितना हदिक है बच लोगे उतना आप लोगों को फायदा है, क्योंकि अगर यही क्राइम आप अपनी कंट्री में कर लेते हैं, इंडिया में, पाकिस्तान, कहीं पर भी, तो आपका परिवार आपके पीछे छुड़ाने वाला, जमानत के लिए या फिर आपकी हेल्प के लिए, यहाँ कोई नहीं है। एक बार जेल में चले गए, 6 साल से पहले आप नहीं निकलने वाले, ये समझ लीजिए। तो जो अगर गलत कर रहे हो तो उससे पहले ज़रूर सोच लें, आपकी ज़िंदगी ख़राब होने के साथ देश का नाम भी यहाँ पर रिकॉर्ड में चढ़ जाता है, क्योंकि कौन था चाकू मारने वाला, बांग्लादेशी, तो बांग्लादेश का नाम आ गया, तो एक क्राइम लिस्ट होती है फिर, आपको पता है कि कौन से देश के लोगों ने अपने देश में सबसे ज़्यादा क्राइम किया, कुछ गलत किया, इलीगल एक्टिविटी की, तो उस देश के खिलाफ फिर उनका कुछ न कुछ, फिर जैसे ये संबंध है ना, ऐसे उनके वर्करों के हित से रिलेटेड फिर यूं बढ़ने लग जाते हैं, फिर वीज़ा पे रोक लगाना, स्ट्रिक्टली कर देना, ये नियम कर देना, वो कर देना, ये रीज़न बन जाता है। तो आपका नाम खराब होता वो अलग है। अब बंदे के पास 15 दिन का टाइम है ऊपर वाली कोर्ट में अपील करने के लिए, 6 साल की सज़ा दे दी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता कि इस कोर्ट ने 6 साल की सज़ा दे दी, ऊपर वाले ने बरी कर दिया, यहाँ तो सिस्टम सेम ही है, अपील कर सकता है उसकी मन की संतुष्टि के लिए, 6 साल के लिए बंदे को अंदर रहना पड़ेगा। तो भाई ऐसा काम करने से पहले 100 बार सोच लीजिए, तो आपके लिए और आपके परिवार के लिए हित में रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।